ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा था कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश करी कि जिसमें कि सारे इंसिडेंट लाइट जो भी इस पे आ रहे थे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाए। यही जो बॉडी होगा जो कि सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। यही हमारा सिचुएशन था। तो फेरिस ने इस ब्लैक बॉडी को बनाया था और फिर ये सारी चीज़ें किया था। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ लिए थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था, हाँ ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ए प्लस ऑफ आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे ए किस बात को डिनोट करता है कि कितना परसेंटेज जो इंसिडेंट एनर्जी था वो एब्जॉर्ब हुआ, और आर किस बात को डिनोट करता है कितना परसेंटेज इंसिडेंट एनर्जी का या फिर इंटेंसिटी का रेशियो, ऐसा भी बोला जा सकता है, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी बन जाता है। तो वो चीज़ कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हुआ या कितना परसेंटेज ट्रांसमिट हुआ वो टी बताता है। तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने देखा था, एब्जॉर्प्टिव पावर होता है और ये ट्रांसमिटिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ये सारे चीज़ होते हैं। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया था, फेरिस ब्लैक बॉडी देख लिया था, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल है, तो समझने की कोशिश करना। ये हम लोग का अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म को सब समझते हैं। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें फर्स्ट आता है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, ये एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब हो गया है, जैसे कि स्मॉल ए को हम लोगों ने ऊपर बताया था। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ए विल बी इक्वल्स टू ई ए, इंसिडेंट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो चुका है, इसको हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब बोल लेते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देखा जाएगा, तो पर यूनिट टाइम भी हम लोग इसमें बोल देते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब पर यूनिट टाइम। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं। और इसमें ई आई ले लेते हैं, दैट इज इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी इंसिडेंट हो रहा होगा वो, तो ये हमारा ए का रिलेशन निकल करके आ जाता है। इस तरीके से हम लोग ए डिफाइन करते हैं। तो ए को बोला जाता है एब्जॉर्प्टिव पावर, लेकिन अगर इसका मैं डायमेंशन देखूं तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। इसका यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाम तो कहने के लिए पावर, लेकिन पावर बोला गया इसका मतलब नहीं कि इसका यूनिट वाट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। नाम से कुछ भी हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। दूसरा होता है हमारा एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या होता है? तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ
एनर्जी इमिटेड इमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है या फिर इमिट करता है। तो वो एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना रेडिएट कर रहा है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना रेडिएट कर रहा है, डेट इज़ कॉल्ड इमिसिव पावर। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फॉर एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इमिसिव पावर इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी डेल्टा ए, और ये है पावर। तो इसका यूनिट हम लोग क्या बोल देंगे, बोलो क्या हो जाएगा यूनिट, इंटेंसिटी का यूनिट। ये क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, दिस इज बेसिकली इंटेंसिटी। ये क्या है, रेडिएट जो हो रहा है। मान लो हमारे पास कोई भी, समझना अच्छे तरीके से, मान लो हमारे पास एक हॉट आयरन बॉल रखा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये एनर्जी को रेडिएट करेगा चारों तरफ, ध्यान देना चारों तरफ रेडिएट करेगा। तो हमें क्या चाहिए, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये रेडिएट करते जाएगा करते जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ यूनिट टाइम के लिए कितना एनर्जी रेडिएट किया है और पर यूनिट एरिया कितना रेडिएट किया है ये हमें चाहिए। तो ये हमारा एमिसिव पावर होता है। अब दूसरा चीज़ इसमें ये है कि जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसकी एनर्जी लेवल क्या, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या, उसकी वेवलेंथ क्या है। तो क्या एक ही वेवलेंथ का फ्रिक्वेंसी का क्या ये वेव को इमिट कर रहा है क्या, रेडिएट कर रहा है क्या एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी है वो एक ही वेवलेंथ का है क्या? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं। यहाँ पे जो रेडिएट हो रहे हैं एनर्जी उसके वेवलेंथ ढेर सारे हो सकते हैं, लैम्डा वन भी हो सकता है, लैम्डा टू भी हो सकता है, लैम्डा थ्री भी हो सकता है, ढेर सारे भी हो सकते हैं, बराबर। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी कभी भी रेडिएट नहीं करता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इन सभी वेवलेंथ के क्रॉस्पॉन्डिंग एनर्जीज होंगे, उन सभी को हम लोग सम कर लेंगे तो मुझे क्या दे देगा, क्यू दे देगा। समझ में आया सबको, तो दिस इज क्यू। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका यूनिट क्या अच्छा हो जाएगा, वाट, हाँ बोलो। सर, वो जो ऑब्जर्वेटरी पावर का डायमेंशनलेस है वो समझा दीजिए ना सर, क्योंकि पर वो भी पावर है ना सर। हाँ तो नाम पावर है ना, पावर नाम है तो मैं क्या करूँ उसके लिए, ऐसा उन लोगों ने अच्छा डिफाइन करा है। हाँ ओके ओके सर। ठीक है, हाँ सर, सिर्फ फिर नाम है। सर फिर वो फिर ऐड कैसे किया दूसरे इमर्जी पावर के साथ, अगर तो उसका डायमेंशन इसका डायमेंशन मैच नहीं कर नहीं रहा नहीं तो। नहीं ये अलग चीज़ है, ये अलग हेलो, चीज़ है। इसको तुम, ये एमिसिव पावर है, ये एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वो है, लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ा था वन इज इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी, हाँ उसमें एब्जॉर्प्टिव पावर ये था, आर क्या है नहीं बताया गया, टी क्या है नहीं बताया गया, ये एब्जॉर्प्टिव पावर ए है, दिस इज एब्जॉर्प्टिव हाँ पावर, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पता भी चलना चाहिए यहाँ से। लेकिन इमिसिव पावर कुछ अलग ही है, वो आर भी नहीं है और टी भी नहीं है, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो वाला है, जो एब्जॉर्ब कर ओके रहा था सर, उसका फ्रैक्शन हम लोग को ए आर टी देता है। क्लियर है क्या? तो इसका यूनिट यस क्या सर, हो जाएगा, इंटेंसिटी की यूनिट, विच इज क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया उस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि वही काम अभी आने वाला है। थर्ड इज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल
स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या है? इट इज़ द इमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। इट इज द इमिसिव पावर रेडिएटेड पर यूनिट वेवलेंथ। पर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है, विच इज रेंजिंग फ्रॉम फ्रॉम 0 to infinity। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एक गर्म सा बॉल है या कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ इमिट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेवलेंथ इमिट करे, वो ढेर सारे वेवलेंथ्स इमिट कर सकते हैं। अब ढेर सारे वेवलेंथ्स जो होंगे वो ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ढेर सारे कलर्स नहीं आने वाले हैं, ढेर सारे वेवलेंथ आने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस है। ढेर सारे कलर्स का मतलब तुमने बता दिया, जितने भी वेवलेंथ इमिट कर रहे हैं सारे के सारे विजिबल रीजन में लाए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी रीजन में लाए कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें क्या था, विजिबल रीजन इस जगह पे था, इंफ्रारेड इस जगह पे था, ये अल्ट्रा वायलेट था, और इस तरफ था हमारा माइक्रोवेव रेडियोवेव। तो वेवलेंथ जो है वो इन्फिनिटी इधर होगा और सबसे कम इधर होगा, तो वो ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो की इंटेंसिटी ज़्यादा हो या फिर अल्ट्रा वायलेट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो। वो बहुत ही एक दो ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ होंगे जो अल्ट्रा वायलेट को क्रॉसपॉन्ड कर रहा हो, या फिर नहीं भी क्रॉसपॉन्ड कर सकता है। वो डिपेंड करता है टोटली कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जैसे कि तुम्हें पता है, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट करेगा, और क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी वाइब्रेशन या फिर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो वो एनर्जेटिक वेव्स इमिट करेगा। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेवलेंथ्स निकल रहे होंगे वो बहुत सारे होंगे। ये वेवलेंथ भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका टेम्परेचर कितना है बॉडी का। तो मान लो कि लैम्डा वन के क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज़ हुआ E1 हुआ, लैम्डा टू के क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज़ हुआ E2 हुआ, लैम्डा थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग E3 हुआ। ऐसे ऐसे ढेर सारे लैम्डा है, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, ढेर सारे लैम्डा की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये एनर्जी सभी को अगर सम कर लिया जाए, उसमें से पर यूनिट वेवलेंथ कितना निकला, तो ई लैम्डा इज बेसिकली इक्वल्स टू डीई बाई डी लैम्डा। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कितना एनर्जी बाहर निकला, वही है हमारा स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। पहला क्या था, इमिसिव पावर। दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल का मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज। अब इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको कर लो तुम इंटीग्रेट। कैसे करके लिखेंगे, डी लैम्डा को उस तरफ सेंड कर लो, तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू ई लैम्डा डी लैम्डा, और दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इधर से निकल के आएगा ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा। तो अब ई क्या चीज़ है, हमने सारे एनर्जीज को सम कर लिया, सारे एनर्जीज कौन, E1, E2, E3 जितने भी एनर्जीज थे, तो मुझे E मिल गया, और वो क्या है हमारा, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, सो इमिसिव पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ E लैम्डा। E लैम्डा क्या है हमारा, ये है, दिस इज E लैम्डा, दिस इज E लैम्डा, लैम्डा वन के क्रॉसपॉन्डिंग, लैम्डा टू के क्रॉसपॉन्डिंग, लैम्डा थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग, उसका लैम्डा के साथ जो इंटीग्रेशन होगा वो ई देगा हमें। ये बेसिक सा चीज़ है जो कि मैंने तुम लोगों को समझाया। समझ में आया सबको?
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ओके किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ठीक है, स्पेलिंग देख लेना किरचॉफ्स का सही हो या पता नहीं। किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ क्या है? देखो किरचॉफ्स लॉ तो हमारा उधर भी था बराबर, केवीएल यस सर, यस केसीएल वाला वो भी था, लेकिन ये हीट ट्रांसफ़र जो बात आ रही है तो ये इसमें भी एक किरचॉफ्स लॉ है, और ये थोड़ा अलग तरीके से बात करता है। क्या बात करता है उसके बारे में समझते हैं। मान लो कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, कौन सा एक, कोई भी नॉर्मल बॉडी और एक है ब्लैक बॉडी, और दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। तो एक नॉर्मल बॉडी को मैं ए मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं ब्लैक बॉडी, ठीक है, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा गया। तो जब ऐसा किया जाता है तो बोला गया डेट ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर होता है वो किसी भी नॉर्मल बॉडी के बराबर होता है डिवाइडेड बाय द एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है, ये बोला किरचॉफ्स लॉ ने। तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं उसको पहले देखते हैं, ये आया कैसे फिर उसको देखते हैं। तो क्या बोला गया है डेट द रेशियो ऑफ ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर रेडिएशन फॉर रेडिएशंस ऑफ ए गिवन वेवलेंथ, ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज सेम फॉर ऑल द सब्सटेंसेस एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर एंड इज इक्वल्स टू, एंड इज इक्वल्स टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी फॉर द गिवन वेवलेंथ एट द सेम टेम्परेचर, फॉर द गिवन वेवलेंथ एट सेम टेम्परेचर, ये बोला गया। लंबा चौड़ा बात जो बोला है ये क्या चीज़ है इसको हम लोग समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हाँ कैसे इस तरीके से बोला गया और इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो इसमें मुझे ये समझना है कि ये जो चीज़ मैंने लिखा है वो किस तरीके से है, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दो बॉडी को मैंने रखा हुआ है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, समझते जाना अच्छे तरीके से। तो ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बॉडी ए है जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा हुआ है टी पे, और ये बॉडी बी है या फिर ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, और ये कौन सा है नॉर्मल बॉडी,
और ये भी टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है, सेम टेम्परेचर पर रख दिया। अब ब्लैक बॉडी का क्या सिचुएशन होता है कि जितने भी सारे वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा, जितने भी इंसिडेंट लाइट होंगे वो सारे के सारे एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लैक बॉडी यही होता है ना। दूसरा चीज़, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे है, तो जितने भी सारे इसने एब्जॉर्ब किए हैं उतने ही एनर्जी को ये रेडिएट करना पड़ेगा। तो मैं इस ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्ब इमिसिव पावर बोलूँगा, वो इमिसिव पावर कितना हो जाएगा, जितना एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, आया ना, विच विल बी इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू आई के बराबर, समझना बात को अच्छे तरीके से। तो ये हमारा इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी। अब नॉर्मल बॉडी के केस के लिए बात करते हैं, तो नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी जो आ रहे हैं उसका कुछ पार्ट ही ये एब्जॉर्ब कर पाता है, सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं करता है, बराबर है क्या। तो अगर ये क्यू आई इंसिडेंट हुआ तो कितना एब्जॉर्ब कर लेगा, ए टाइम्स ऑफ क्यू आई, हाँ या ना, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सर जो रेडिएट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे है, टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो ये बॉडी ए के लिए जो हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर होगा वो कितना होगा ए, और जो इमिसिव पावर होगा वो कितना होगा, ये मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ। तो इमिसिव पावर विल बी इक्वल्स टू कितना बोलूँगा, इमिसिव पावर बोलो, डेट विल बी जितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो रेडिएट कर पा रहा है क्या वो इतना ही कर पा रहा है जितना एब्जॉर्ब किया, वो सारा का सारा एनर्जी रेडिएट कर देगा, तभी तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा। तो ये आ जाएगा एब्जॉर्प्टिव पावर इसके बराबर, क्यू ए के बराबर, विच इज इक्वल्स टू ए इंटू क्यू आई है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आए, एक ये वाला और एक इधर से मिला है जो मुझे। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो एक है नॉर्मल बॉडी के लिए, एक है ब्लैक बॉडी के लिए। तो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय द एमिसिव पावर ऑफ द नॉर्मल बॉडी इज इक्वल्स टू क्यू आई डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ क्यू आई, क्यू आई क्यू आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से ब्लैक बॉडी के लिए क्या बोलेंगे, डैट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी अपॉन द एब्जॉर्प्टिव पावर। ये तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, वापस से वीडियो को देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। कुछ नहीं है, बस जो ऊपर डेफिनेशंस दिए हैं हमने उसी को अप्लाई किया है, और उसी को अप्लाई करने के बाद फिर ये हमारा काम हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, जो हम लोग किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी अच्छा एब्जॉर्बेंट है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो वो उतना अच्छा इमिटर भी होगा, है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। तो जितना अच्छा यस सर एब्जॉर्बर होगा उतना अच्छा वो इमिटर होगा। तो यहाँ पे नोट डाल के देख लेते हैं, दिस इज़ फॉर नॉर्मल बॉडी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑफ नॉर्मल बॉडी। तो इसमें थ्योरी थोड़ा ज़्यादा है, बाद में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, जेई के भी क्वेश्चन करेंगे, तो पहले थ्योरी समझना जरूरी है। दिस इज एमिसिव पावर ऑफ द नॉर्मल बॉडी और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो इसमें नोट में डाल करके हमें ये लिखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्बर होगा, गुड एब्जॉर्बर, वो गुड इमिटर भी होगा। गुड एब्जॉर्बर
आर ऑल्सो गुड इमिटर। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा तो ज़्यादा इमिट भी करेगा, कम एब्जॉर्व करेगा तो कम इमिट करेगा। अगर इम्बैलेंस हुआ दोनों का तो टेम्परेचर या तो बढ़ने लग जाएगा या तो घटने लग जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट है हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, इसने क्या करा, जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हम लोगों ने ऊपर देखा था उसके बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर कुछ चीज़ों को उसने नोटिस किया और उसके हिसाब से कुछ चीज़ें उसने कमेंट किया। तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या था, और उसके हिसाब से मैं एग्जांपल भी दूंगा तो और तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसने क्या करा, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ के बीच में कर्व बनाया। तो काम ये किया इसने कि पहले एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट था T1 टेम्परेचर पे, तो हमें पता है T1 टेम्परेचर पे होगा तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, है ना, तो ये रेडिएट कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि जो रेडिएट करेगा एनर्जी उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ होते हैं। λ1 के क्रॉस्पॉन्डिंग E1 एनर्जीज आ रहे थे, λ2 के क्रॉस्पॉन्डिंग E2 एनर्जी आ रहे थे, λ3 के क्रॉस्पॉन्डिंग E3 एनर्जी आ रहे थे, ऐसे सो सो ऑन बहुत सारे एनर्जीज मुझे मिल रहे थे हर एक लैम्डा के क्रॉस्पॉन्डिंग। लेकिन कौन बड़ा था, E1 बड़ा था या E2 बड़ा था या E3 बड़ा था, कौन बड़ा था ये हमें नहीं पता था। तो उसने क्या करा, विंस ने एक ग्राफ पैटर्न को ड्रॉ किया हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के क्रॉस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी को मेजर किया, और उसके हिसाब से इसने ग्राफ ड्रॉ किया। जब ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से आया, फिर से बनाता हूँ उसको मैं, थोड़ा सा एक पीक आता है इसमें, एक मिनट। ऐसा है, एक पीक आता है यहाँ पर, तो इस पीक से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एनर्जीज रेडिएट हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रहा है ना। यस सो देर इज़ अ पीक फॉर दिस वेवलेंथ। तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हुआ, मान लेता हूँ ये T1 टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ मुझे मिला, और ये T1 टेम्परेचर के लिए ग्राफ था। अब ई लेमडा और लेमडा के बीच का जो एरिया होगा वो क्या देगा तुम्हें, हमने पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई लेमडा डी लेमडा ये क्या देता है, हमारा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। बेसिकली दिस इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट विच इज समेशन ऑफ E1, E2, E3, ये सभी का समेशन है सर। तो इमिसिव पावर है ये, इमिसिव पावर। तो जब T1 टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर का जो एरिया होगा वो कम होगा, लेकिन अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को लिया और इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर कर दिया T2, तो इससे जो एनर्जीज बाहर निकल रहे होंगे वो भी λ1, λ2, λ3 के क्रॉस्पॉन्डिंग होंगे, लेकिन इसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज अब निकलेगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा। समझ में आया है नहीं आया, हाँ सर, ये एनर्जीज क्या हो गए होंगे, इंक्रीज हो गया होगा, तो सभी की इंटेंसिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो जो ग्राफ होगा हाँ वो सर, कुछ इस टाइप से बन जाता है, इस टाइप से आता है। तो विंस ने ये देखा कि जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका जो पीक था, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इसका पीक मिल रहा था मुझे, वो भी घट गया।
वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, फिर से टेम्परेचर को बढ़ाया, तो दिस इज़ फॉर T2 टेम्परेचर, फिर से टेम्परेचर बढ़ाया T3 के लिए, तो जैसे T3 टेम्परेचर करा तो ये पीक और ज़्यादा पीछे चला गया। और हमें पता है कि एरिया जो अंडर द कर एरिया अंडर द जो कर्व है वो बढ़ना ही चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए, घट तो सकता ही नहीं है। क्यों नहीं घट सकता है बोलो? क्योंकि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी और रेडिएट करेगा। जैसे कोई भी आयरन रॉड है, उसको तुमने 100 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, हाथ लेकर के जाओ उतना फील नहीं होगा, अगर उसी को तुम 500 कर दो हाथ लेके जाओ काफ़ी गर्म फील होगा, 1000 कर दो तब तो खतरनाक ही फील होगा, है ना? तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसा है। ऐसा तो एक तीन जगह पे पीक मिला, तो विंस ने बोला कि ये जो पीक मिल रहा है मुझे, जो वेवलेंथ के लिए मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो दिस वेवलेंथ लैम्डा फॉर विच वी आर गेटिंग द पीक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एक मिनट, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये चीज़। तो इसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, ये आ जाता है कांस्टेंट, सो लैम्डा इनटू टी इज इक्वल्स टू आ जाता है वी, सो दिस इज़ द कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा चीज़ होता है और उससे आंसर निकल के आता है, इसको हम लोग विंस कांस्टेंट बोलते हैं, बी को विंस कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है बी इज इक्वल्स टू वो 0.2822 सेंटीमीटर केल्विन होता है। क्योंकि देखो लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, मीटर, और टी का यूनिट टेम्परेचर, उसको हम लोग केल्विन में ही लेते हैं, तो ये हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। तो कभी कभी सेंटीमीटर में दिया जाता है, कभी कभी मीटर में दिया जाता है, कभी कभी एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है, तो बी का भी वैल्यू उसी तरीके से तुम्हें पुट करना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है क्या? अब इसमें सर स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट उसने बोला। सर वो जो जो सबसे पीक वो पीक वेवलेंथ है उसमें मतलब जो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी मतलब ज्यादा है तो उसका जो एरिया है वो सेम ही रहेगा ना, मतलब बाकी सारे से सेम ही है ना, क्योंकि कम है। देखो λ1 जो है वो सिर्फ इसी जगह से नहीं निकल रहा है, इस जगह से भी λ1 निकल रहा है, इस जगह से भी λ1 निकल रहा है, इस जगह से भी λ1 निकल रहा है, ऐसा मत समझना उस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है λ1, λ1 पूरे सरफेस से निकल रहा है, λ2 भी सेम पूरे सरफेस से निकल रहा है, λ3 भी सेम पूरे सरफेस से निकल रहा है। तो ये सब तो एटम्स के वाइब्रेशंस वगैरह के कारण से होते हैं, कौन एटम किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है हम लोग तो पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलेंगे। फ्रॉम दिस एनर्जी, फ्रॉम दिस एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फ्रॉम दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बॉडी रेडिएशन, तो ये जो हम लोगों ने किया है एक्सपेरिमेंट जो विंस ने करा वो ब्लैक बॉडी के लिए क्या था, तो सेम टाइप ऑफ नेचर हम लोग एक नॉर्मल बॉडी के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि क्रिचॉप्स लॉ जो था उससे हमें ये भी पता चल गया कि
सारे के सारे चीज़ जो होंगे, अब इमिसिव पावर जो होगा एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन से कम होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन इट इज फाउंड डेट इट इज फाउंड डेट द हायर द टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द हायर द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमें बता रहा है टोटल एनर्जी कितना रेडिएट हुआ। कर्व विल बी बिकॉज इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये चीज़ है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बात हो रही है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, जो भी एनर्जीज रेडिएट हो रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे, वो दूसरे टेम्परेचर के जैसा नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं कि लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग जितना अमाउंट से एनर्जी इंक्रीज किया, लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग भी उतना ही अमाउंट से एनर्जी इंक्रीज करे, डेट इज़ नॉट पॉसिबल, वो अलग ही तरीके से इंक्रीज होता है। सो एनर्जी लिखता हूँ, द एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर देर इज ऑलवेज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर देर इज ऑलवेज, हमेशा एक पीक मिलता है हमें, है ना, देर इज ऑलवेज वन मैक्सिमा और ए पीक वैल्यू और ए पीक वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ वेवलेंथ विच हैव मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, विच हैव मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, जिसको हम लोग ई लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिस पीक वैल्यू और द मैक्सिमा एट विच वी आर गेटिंग वेवलेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो जिसके कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं डेट द टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, या वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
पीक वैल्यू और द मैक्सिमा, द पीक वैल्यू और द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा शिफ्ट टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। और हमने यहाँ पे जो देखा उसमें टेम्परेचर को भी बता देता हूँ कि टी वन इज़ लेस देन टी टू एंड टी थ्री, सो टी थ्री इज़ द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर, टी थ्री सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, उसके बाद टी टू, उसके बाद फिर आएगा हमारा टी वन। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस चीज़ को लिखने में। नेक्स्ट इज स्टीफेंस बोल्ट्समैन लॉ, तब से हम लोग थ्योरी ही देख रहे हैं, स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इस पे आते हैं, और एक और हम लोग जब लास्ट में पढ़ेंगे न्यूटन्स, ये बोल्ट्समैन, उसके बाद आएगा हमारा न्यूटन, ये दो हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे हीट ट्रांसफर में। तो स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी जो बॉडी है वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम को हम लोग एक नया नाम यहाँ पे देते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। इस जगह पे इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इसको पी से डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं पे इसको यू से डिनोट किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नोटेशंस मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना। लेकिन इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ये हमारा इमिसिव पावर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट इमिसिव पावर, क्योंकि इमिसिव पावर होता है हमारा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, सो दिस इज़ पावर। तो इधर से जो एनर्जी रेडिएट करेगा ये टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम वो जो करेगा, डेट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी को रेडिएट कर पाएगा। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो होगा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और स्टीफन बोल्ट्समैन ने ये बताया कि ये टेम्परेचर की पावर फोर्थ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर की पावर फोर्थ पे डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये किसके लिए बातें कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी। फिर हम लोग एक नॉर्मल बॉडी के बारे में भी बात करेंगे, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए इंटू टी रेज टू पावर फोर। अब क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर के आना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल है तो इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर फोर आता है। और सिग्मा एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इट इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस्ट पावर फोर, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग केवल ब्लैक बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर ब्लैक बॉडी ओनली, फॉर ब्लैक बॉडी, जिसमें कि ए क्या है हमारा, सरफेस एरिया,
टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का टेम्परेचर क्या। तो स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ ये बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी रेडिएटेड और इमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड और इमिटेड पर यूनिट टाइम फॉर ए गिवन सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो ये मैं चाहूँ तो सेंटेंस में यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो भी चीज़ मैंने बोला, क्या बोला है, फॉर ए गिवन सरफेस, फॉर ए गिवन सरफेस एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज़ उसने बोला बोला है और यही इसका स्टेटमेंट है। तो उसी स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों ने ये सारे काम किए और ये हमारा फॉर्मूला निकल कर के आया। तो ये फार्मूला सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए, हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो नॉर्मल बॉडी के लिए फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग इसमें एक चीज़ को डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ई इमिसिविटी फॉर नॉर्मल बॉडी, जिसके लिए हम लोग ई डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी। तो इमिसिविटी क्या है, इमिसिविटी इज बेसिकली द रेशियो, किसका रेशियो, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ द नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। याद करो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या था हमारा, वो बोला कि इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू द इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय ए। तो क्या मैं इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू ए बोल सकता हूँ? तो बेसिकली ई जो है वो ए के बराबर ही है। यहाँ पे जो ई हमने डिफाइन करा है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम लोग और क्वेश्चन में गिवन होगा ए, तो अगर ए गिवन होगा तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे, ई, ए इज इक्वल्स टू ई, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अच्छा तो ए को हम लोग ई बोलेंगे। बेसिकली इमिसिविटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू द एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये जो ई है, इस ई से अगर मैं वो फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फॉर ब्लैक बॉडी इज सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4। सो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फॉर नॉर्मल बॉडी विल बी इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, ये आएगा आंसर हमारा फॉर नॉर्मल बॉडी, फॉर नॉर्मल बॉडी, और ये फॉर ब्लैक बॉडी। तो अगर ब्लैक बॉडी होगा तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर ब्लैक बॉडी वन ए इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है, ये चीज। अब
मान लो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बॉडी को रख दिया मैंने, बस एक छोटा सा और चीज़ बताना है, उसके बाद फिर हम लोग अब क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे। अभी तक पूरा ही थ्योरी चल रहा था, इसके बाद अब क्वेश्चंस हैं। तो अगर इस बॉडी को, नॉर्मल बॉडी को ही मैंने किसी भी पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा एज वेल एज एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो इफेक्टिव एनर्जी उसने कितना रखा, ठीक है? तो ये टी नॉट टेम्परेचर पे एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, रूम टेम्परेचर इज द टी नॉट, टी नॉट इज द रूम टेम्परेचर एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी। तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा टी टेम्परेचर पे। तो मुझे इफेक्टिव अगर नेट देखना है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, नेट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, तो वो कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू टी नॉट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और बाकी सरफेस एरिया वगैरह सेम है, तो टी रेस टू पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट रेस टू पावर 4, ये हमारा आया फाइनल आंसर। ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक सर? है, तो जनरली जब क्वेश्चन दिया जाता है वो क्या करता है, आइसोलेट कर देता है सिस्टम को, आइसोलेट कर देता है। अगर सिस्टम को आइसोलेट कर दिया तो कोई भी रेडिएशंस वगैरह मतलब कि ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बस इतना हमें ज़ूम करना है, अगर आइसोलेट कर दिया तो। लेकिन अगर आइसोलेट नहीं किया है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर से वो एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर जो भी उसके पास में बॉडीज़ वगैरह रखे रहेंगे उससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ज़्यादातर केस में हम लोग टी नॉट को ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही उस तरीके से दिया जाता है। और किसी किसी केस में अगर टेम्परेचर दे रखा है तो वो तुमसे नेट मांग रहा है और तुम्हें वो आंसर निकाल करके देना पड़ेगा। तो ये था आप कंप्लीट थ्योरी पार्ट, अब इस पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, बोलो। सर वो आइसोलेटेड वाला कंडीशन समझा दीजिए ना। आइसोलेटेड का मतलब कि स्पेस में रख दिया, स्पेस में डार्क स्पेस में रख दिया, तो आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे कि एनर्जी निकल करके उसके पास पहुंच सकता है। तो अगर कहीं से भी एनर्जी पहुंच नहीं सकता है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेडिएट करेगा। तो टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो, बोलने के लिए कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग माइनस क्यों करें। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, और अंदर एक कैविटी है, और ये पूरा का पूरा सॉलिड है। ये जो रेडियस है ये R1 दे रखा है, और ये जो रेडियस है ये R2 दे रखा है, ठीक है। और इस बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग कुछ भी नहीं, आइसोलेटेड है। तो पूछा गया फाइंड एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फॉर ए बॉडी हुज इमिसिविटी इज 1/2। सॉल्व करो इसको, सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। तो इस क्वेश्चन में मुझे वैल्यूज़ को पुट करना है, क्या होता है एनर्जी इज रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 माइनस ऑफ टी रेस टू पावर 4। क्योंकि ये पहले मैंने आइसोलेटेड बोल दिया तो इसको मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा सिग्मा ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4। अब क्योंकि ई का वैल्यू दे रखा है 1/2,
और ये सिग्मा कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहने दो। और इम्पॉर्टेंट है इसमें एरिया मुझे पुट करना है। ए क्या होता है हमारा? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हम लोग किसको बोलते हैं? वो सरफेस एरिया जिससे कि हमारा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बराबर, वो सरफेस एरिया जो कि हाँ एटमॉस्फेयर के साथ हाँ है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जीज रेडिएट करेंगे वो इस जगह से कर सकते हैं, तो मुझे ये सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, हमें ये सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, अंदर वाला नहीं। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4π r² तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं 4π r² × t^4, तो दिस इज म्यू, और ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें एक एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ कि सरफेस एरिया पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, और सरफेस एरिया बाहर वाला ही हम लोग क्यों लेंगे। अगर तुम लोगों ने कोल वगैरह अच्छे तरीके से बर्न होते हुए देखा होगा, तो कोल वाले में क्या करते हैं, एक कोल लेते हैं हम लोग, और अगर वो कोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कम। अगर इसी कोल को तुम ब्रेक कर दो छोटे छोटे पीसेस में, तो वो छोटे छोटे पीसेस का जो सरफेस एरिया टोटल मिला करके होगा वो बड़े वाले वाले से ज़्यादा होगा। तो तुमने बेसिकली क्या किया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण से अब जो एनर्जी निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा, तो वो ज़्यादा हीट तुम्हें प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि तुम लोगों ने कभी देख मार्केट गया होगा या फिर देखा होगा, तो वहाँ पर भुट्टा वगैरह बनाते हैं ना, कॉर्न वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, जब जल्दी जल्दी करना होता है या तो फ़ैन को इस तरीके से डालते हैं ताकि हवा आए और वो जल्दी से हीट अप हो। दूसरा चीज़ होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, तो कोल को तोड़ तोड़ करके देते हैं, ब्रेक ब्रेक करके तोड़ तोड़ के देखते हैं, और तोड़ तोड़ के देने के कारण से वो जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और वो ज़्यादा एनर्जीज को रेडिएट करने लग जाता है, तो ज़्यादा हीट मिलने लग जाएगा। तो ये एक तरीका होता है हमारा हीट को बढ़ाने का। दूसरा चीज़, अगर कोल के इनसाइड में कैविटी है तो बर्न तो आउटसाइड कर रहा है, उसके कारण से जो टेम्परेचर है कोल का पूरा तो उतना ही है, लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया हमारा सिर्फ बाहर वाला है उसके कारण से भी वो कम एनर्जी को रेडिएट करेगा। इनसाइड एक कैविटी है तो भी वो सरफेस एरिया काउंट नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड का एनर्जी अंदर ही रह जाएगा। ठीक है क्या? यस सर, हाँ, पहले बहुत बहुत ज़माने के पहले जब हम लोग के पास ये बर्न वर्न माचिस वगैरह नहीं था, जलाने के लिए कोई तरकीब नहीं था, तो कोल को हम लोग यूज़ करते थे। एक बड़ा सा कोल लेकर के घर पे रख दिया जाता था उसको बर्न करके, और जितना बड़ा कोल रहेगा वो उतना ज़्यादा दिन तक जलेगा, काइंड ऑफ तुम ऐसा बोल सकते हो। तो बहुत बड़ा कोल रखने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बस रात को सोए सुबह तो हमारा काम स्टार्ट हो ही जाता है, तो बस 12 आवर का सफिशियंट इसके पास एनर्जी होना चाहिए वो बर्न करने के लिए। तो हम लोग बड़ा कोल लगा के रखते हैं ताकि वो रात भर जले और सुबह वापस से में हम लोग उससे एनर्जीज को ले लें। मतलब एक बार तुम्हारे पास कोल है तो तुम वापस से आग लगा सकते हो कहीं पे भी, है ना। तो पहले ज़माने पे इस तरीके से किया जाता था, और गांव वगैरह में ये छोटे छोटे कोल्स को प्रिजर्व करके रखते थे जो कि बर्न करते रहे, किसी किसी घर में ख़त्म हो गया तो वो दूसरे घर से जाकर के मांग के आता था। खैर, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत पहले की बात है। चलो, तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बॉडी ऑफ एमिसिविटी जीरो पॉइंट टू फाइव एंड सरफेस एरिया 300 cm² एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 227 °C। केप्ट इन एन एटमोसफेयर
ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन फाइंड एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम निकालना है। क्यों इस इंस्टेंट पे, क्यों नहीं दूसरे इंस्टेंट पे, क्यों हमारा अलग हो जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा उस बॉडी का टेम्परेचर घटते जाएगा, क्यों कूल डाउन होता है ना। कोई भी अगर गर्म रॉड रख दिया तो टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घटने लग जाता है, तो कूल डाउन होने जाता है। तो टेम्परेचर हमारा फिक्स होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करो। वैल्यूज़ को पुट करना है बस, जो भी सारे चीज़ दे रखे हैं डेटा उसके वैल्यूज़ को पुट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, बस प्रैक्टिस के लिए दिया गया। कर लिया? है। बस वैल्यू को पुट करना है। तो नेट एनर्जी रेडिएटेड की बात हो रही है, या नेट लिखना था तो तुम लोग समझ ही गए होगे। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट रेस टू पावर फोर। नहीं ई का वैल्यू दे रखा है, डेट इज़ 1/4। सिग्मा का वैल्यू हमें पता है, सिग्मा का वैल्यू याद रखना बहुत आसान है, 5, 6, 7, 8 ऐसे याद रखेंगे। तो 5.67 × 10^10 माइनस ऑफ एट, माइनस और एरिया हमारा दे रखा है 300 × 10^10 मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, एट तो 10^-4 हो जाएगा। एंड टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा हमारा, 300, सॉरी हाँ 273 सर, है ना, ये टू यस सर, ट्वेंटी टू सेवन हंड्रेड फाइव तो हंड्रेड और टू कैल हंड्रेड कैनविल में, हाँ मुझे कैलविन में लेना है, कितना आ जाएगा ये, 500, 500 500। और दूसरा कितना आ जाएगा, माइनस 300 300 बस। बाकी अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, इसको रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ए हॉट ब्लैक बॉडी, ए हॉट ब्लैक बॉडी इमिट्स एनर्जी, इमिट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ मान लो 16 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, एंड इट्स मोस्ट इंटेंस एंड इट मोस्ट इंटेंस इंटेंसिव रेडिएशन, या फिर इंटेंस रेडिएशन करस्पॉन्ड्स टू टू थाउजेंड एंगस्ट्रॉम, करस्पॉन्ड टू 20,000 ले लो, 20,000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज फर्दर इंक्रीज्ड, सो अब क्या किया गया, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज फर्दर इंक्रीज, मैं सिर्फ इंक्रीज लिख देता हूँ, फर्दर इंक्रीज देन इट्स मोस्ट इंटेंस रेडिएशन
इंटेंस रेडिएशन डिक्रीजेस टू 10,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है. सॉल्व करो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है. तो इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवेन है और तुम्हें क्या क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए. क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो ब्लैक बॉडी है वो ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है अभी, 16 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो दिस इज़ बेसिकली इंटेंसिटी, कितना एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी, ठीक है. और कितना वेवलेंथ पे इसको पीक मिल रहा है, ये जो पीक मिल रहा है उसने बताया इस टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस पे मिल रहा है. तो मान लो कि ये टेम्परेचर था T1 और टेम्परेचर बढ़ाया तो T2 हो गया. तो ये जो पीक मिल रहा था जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो 20,000 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन जैसे ही उसने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उस अब पीक कहाँ पे मिलने लगा, लैम्डा 2 10,000 एंगस्ट्रॉम पे मिलने लग गया. तो हमें पता है कि डेट टी इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू बी होता है. तो एक T1 टेम्परेचर पे जो हमारा म्यू है वो दे रखा है, T1 टेम्परेचर पे म्यू कितना हो जाएगा, ई तो ए हो जाएगा विच इज़ 1. तो सिग्मा ए T1 रेज टू पावर 4. और T2 टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा, सिग्मा ए T2 रेज टू पावर 4. म्यू 1 जो दे रखा है वो तो मैं इंटेंसिटी दे रखा है, लेकिन ये जो म्यू होता है वो तुम्हारा पावर के फॉर्म में होता है. और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटेंसिटी इट इज 16. तो अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँगा म्यू 1 डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा T1 रेज टू पावर 4 और यही मुझे 16 दे रखा है. तो यहाँ पे भी म्यू 2 डिवाइडेड बाय ए मुझे निकालने के लिए बोला गया, वो हो जाएगा सिग्मा T2 रेज टू पावर 4 बराबर. तो इसका वैल्यू को मैं एक्स मान लेता हूँ, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड. अब इस जगह पे हम लोग को पता है कि लैम्डा इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, सो लैम्डा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2, है ना. तो कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 का वैल्यू देखो दे रखा है, ये वाला फर्स्ट कर्व और ये सेकेंड कर्व, लैम्डा 1 कितना 2000 20,000. तो फैक्टर आ जाएगा 2 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 हो जाएगा इंटू T2. इधर से मुझे रेशियो आ चुका है T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1/2. अब इधर इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ये कितना दे देगा, एक्स डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1 रेज टू पावर 4. T2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ तो हमने रेशियो निकाला हुआ था, वेयर इज द रेशियो, T2 अपॉन T1 डेट इज 2 रेज टू पावर 4. सो एक्स इज इक्वल्स टू 16 इंटू बोलो 16, है ना. तो ये हो जाएगा 256 पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर. समझ में आएगा, चलो तो आगे चलते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पे.
उससे पहले एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, मान लो इस जगह पे सन है और सन से एनर्जी रिसीव कर रहा है अर्थ, बराबर। सन जो है वो पी पावर से रेडिएट कर रहा है एनर्जीज को, या फिर मैं सन को एक ब्लैक बॉडी बोल देता हूँ, दिस इज़ ए ब्लैक बॉडी, और सन का जो टेम्परेचर है वो टी टेम्परेचर है। तो पूछा गया कि कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है अर्थ पे, फाइंड एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ऑन अर्थ। और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ वगैरह दे रखे हैं, रेडियस जो है सन का दे रखा है कैपिटल आर, और अर्थ का जो रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है डेट इज़ डी। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर डी के कंपैरिजन में छोटा है, ऐसा ज़ूम कर लेते हैं हम। और फिर पूछा गया कि कितना एनर्जी सन के कारण से अर्थ के ऊपर इंसिडेंट हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी देता है कि अर्थ को मान लो ब्लैक बॉडी है, अर्थ भी हमारा ब्लैक बॉडी है, तो वो भी उतना ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होगा जितना एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, और क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उतना ही एनर्जी ये रेडिएट भी कर रहा होगा। तो अर्थ का पूछ लेता है कि कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम ये रेडिएट कर रहा होगा, या फिर अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा ये भी पूछ ले जाता है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ कर लेंगे जिसमें कि टेम्परेचर हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, इस जगह से सन जो है वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी जो रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम, उसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है। फॉर्मूला ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, सिग्मा एरिया, सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर यार इंटू T^4, इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम ये रेडिएट कर रहा है। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो एनर्जी कुछ कम होगा, है ना, इतना ही पार्ट का एनर्जी इसके पास पहुंच पाएगा, बाकी जो इधर एनर्जी गया वो तो वेस्ट हो गया ना, वो उसके पास तो नहीं जा रहा। तो मुझे इस अर्थ के पास इंटेंसिटी निकालना होगा, इस अर्थ के पास इंटेंसिटी कितनी है। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया डेट इज़ डी डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया विच इज़ सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T^4 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई d² 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटेंसिटी आ जाएगा इधर से सिग्मा आर स्क्वायर T^4 डिवाइडेड बाय d². अब अर्थ क्या करेगा, इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ध्यान दो जितने भी रेज आ रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल हैं, और सारे के सारे पैरेलल हैं तो मुझे प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ता है, ये सब तुम्हें चीज़ें बताया गया होगा। तो जो एब्जॉर्ब कर पाएगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम जो हम लोग बोलेंगे, या फिर एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पूछा था ना, वही निकालो। पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, अब सरफेस एरिया ये वाला लेना पड़ेगा अर्थ का विच इज पाई आर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी सिग्मा आर स्क्वायर T^4 डिवाइड बाय d² इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया सबको, हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रखा है तीन प्लेट्स हैं, एक दो और ये तीन,
ये आइसोलेटेड है ना, ये तीनों प्लेट कैसे हैं, आइसोलेटेड जगह पर रखे गए हैं और ये इस तरीके से रखे हुए हैं। और बोला गया कि ये है ए बी और सी, इसका सरफेस एरिया दिया गया एक साइड का, काइंड ऑफ प्लेट्स हैं तो एक तरफ का सरफेस एरिया मिलेगा। ये जो सरफेस एरिया है वो ए है, दिस सरफेस एरिया इज ए। तो इस बॉडी बी का टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, फाइंड टेम्परेचर ऑफ बी इफ टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी आर टी नॉट एट इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो इसको। इसमें कॉन्सेप्ट यूज करो कि जो बी बॉडी है वो जितना भी एनर्जी एब्जॉर्व करेगा उतना वो रेडिएट कर देगा, तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा। बात समझ में आ रही है? सर हाँ। और वो एनर्जी जो रिसीव करेगा वो कहाँ से करेगा, सराउंडिंग से करेगा। सराउंडिंग कौन दे रहा है, ए और सी दे रहा है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा सोचो। ये हमारे पास एक बॉडी है ये जितना भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा बी, और ये सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा बी, तो दोनों तरफ से मिल रहा है। तो दो इसका टेम्परेचर टी नॉट है, इसका भी टेम्परेचर टी नॉट है, तो कितना आ जाएगा बोलो एनर्जी जो वो सेंड कर रहा है। सभी ब्लैक बॉडी ऐसा ज़ूम कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन में हो सकता है ए और सी का अलग वैल्यूज़ वगैरह दिया हो इमिसिविटी का। तो सिग्मा ए टी नॉट रेस टू पावर 4 प्लस इधर से भी जो एनर्जी मिल रहा है वो भी उतना ही है, सिग्मा ए टी नॉट रेस टू पावर 4। और क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि इसका टेम्परेचर टी नॉट था और इसका टेम्परेचर 2 T0 था, तो बी का टेम्परेचर कितना है, तो भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। और फाइनल जो इसका टेम्परेचर होगा वो मैं टी एज्यूम करके रखा हूँ, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है चारों ओर से, इस तरफ से एनर्जी रेडिएट कर रहा है और इस तरफ से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो दोनों सरफेस एरिया को इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे। तो सिग्मा ए के जगह पे लिखूंगा मैं 2 है और टेम्परेचर टी रेस टू पावर 4 होगा। ठीक है, समझ में आया क्या, सर क्या बोल रहे हो? आपने 2A क्यों लिखा? क्योंकि 2 सरफेस एरिया है और दोनों सरफेस एरिया से ये एनर्जी को रेडिएट करने वाला है, लेकिन जब ए वाला था, ए जब एनर्जी को रेडिएट कर रहा था तो इसका एनर्जी ऐसे घूम करके इस तरफ नहीं आ सकता है, वो डायरेक्ट इस तरफ ही जाएगा, तो ये एरिया ही सिर्फ एब्जॉर्व कर सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए लिया था। ठीक है, ओके सर, ठीक है तो सर। अब इसको वही सम कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तो तुम्हें टेम्परेचर मिल करके आ जाएगा टी, कितना आ जाएगा टी नॉट के बराबर, नोट है ना। अब वहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, एक का दिया हुआ था टेम्परेचर टी नॉट, एक का दिया हुआ था 2 T0, तो फिर हमारा वैल्यू जो निकल करके आता वो अलग आता। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ये लास्ट है। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या है, अगर कोई भी बॉडी जो
गर्म है एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो वो क्या होगा, धीरे 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 ठंडा होने की कोशिश करेगा, बराबर। तो मान लो कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है तो ठंडा कैसे होगा, जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो रेडिएट कर देगा, तभी वो ठंडा हो सकता है, बराबर। तो ये यस टी नॉट इज़ द रूम टेम्परेचर, मैंने ऐसे बोला है, दिस इज़ रूम टेम्परेचर। इसका मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेरिवेशन बहुत कम जगह पे मिलता है तो मैं इसका डेरिवेशन करके बता रहा हूँ। तो इस टी को हम लोग अभी के लिए बोल रहे हैं कि टी नॉट प्लस ऑफ डेल्टा टी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टेम्परेचर का डिफरेंस है टी और टी नॉट में। टी नॉट इज़ द रूम टेम्परेचर एंड टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो उस समय जितना निकलेगा एनर्जी वो क्या होगा, ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट रेस टू पावर 4, ऐसा लिखेंगे। वैल्यूज को पुट कर लो, ई सिग्मा ए टी नॉट प्लस ऑफ डेल्टा टी रेस टू पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट रेस टू पावर 4। और हम लोगों ने क्योंकि एज्यूम करा है कि ये डेल्टा म्यू है तो दिस इज इफेक्टिव नेट एनर्जी लॉस है, ये एनर्जी का क्या है, ये लॉस पर यूनिट टाइम, एनर्जी का लॉस पर यूनिट टाइम है। तो इसको मैं डी क्यू बाय डी टी लिख सकता हूँ और इसमें एक माइनस साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब एनर्जी का अगर इस बॉडी का लॉस होगा तो इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी होता है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा डी क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एस इंटू डी टी, और मुझे इसका वैल्यू इस जगह पे पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ एम एस डी टी डी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी नॉट प्लस डेल्टा टी रेस टू पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट रेस टू पावर 4, ये ऐसा। अब मुझे बस इंटीग्रेट करना है इसको, डी टी बाय डी टी इज माइनस में लिख लो इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए, काफ़ी बड़ा टर्म आ रहा है, डिवाइड बाय एम इंटू एस। और मैंने इसको बाइनोमियली एक्सपांड करना है तो टी नॉट रेस टू पावर 4 को कॉमन लेकर के बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट रेस टू पावर 4 माइनस ऑफ 1, ठीक है क्या। और हाँ सर, अभी भी हम लोग बाइनोमियली एक्स को एक्सपांड नहीं किया है, अब एक्सपांड कर लेते हैं, हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर लेंगे, डेल्टा टी को हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि इज स्मॉल इन कंपेरिजन विथ टी नॉट। तो उसके लिए हमारा इसका एक्सपांशन ऐसा दिखेगा, 1 प्लस ऑफ डेल्टा टी बाय टी नॉट इंटू 4, सामने 4 आ जाएगा, माइनस 1, 1 1 कैंसिल आउट, और ये वैल्यू ऐसा है, ई सिग्मा ए टी नॉट रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय एम इंटू एस। और ये जो टी नॉट इस 4 पावर 4 था वो अब कितना बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ से, तो हाँ हाँ सर, ये आ गया, 4 भी बाहर निकाल लो और अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी, और ये माइनस ऑफ डी टी बाय डी टी। अब आ गए हम लोग ज़रूरत वाले जगह पे, तो इस जगह पे ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी, ये क्या चीज़ है, टी इज़ द टेम्परेचर एंड स्मॉल टी इज़ द टाइम। तो
ये हम लोग का बोला जा सकता है कि टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो माइनस साइन लग गया तो रेट ऑफ कूलिंग होगा, सो दिस इज रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी बाय स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू, बाकी सारे चीज़ कांस्टेंट हैं, इसको अगर मैं कांस्टेंट एज्यूम कर लूँ कि कोई कांस्टेंट है, तो क्या ये रेट ऑफ कूलिंग डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है? सो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यही हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग जो अभी मैंने डिराइव कराया, यही है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो उसने डायरेक्ट क्या बोल दिया स्टेटमेंट में लिख करके बताता हूँ कि फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस किसकी बात हो रही है, बॉडी एंड द रूम टेम्परेचर है ना, ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स, एंड द सराउंडिंग्स द रेट ऑफ कूलिंग इज द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये ऐसा उसने बोला। अब टेम्परेचर डिफरेंस को मैं टेम्परेचर को ही थीटा से डिनोट करूँगा, इसे मैं टेम्परेचर से डिनोट करूँगा थीटा को, तो माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आई माइनस ऑफ थीटा नॉट, ये चीज़ मतलब कोई भी बॉडी है जो कि अभी थीटा आई पे रखा हुआ है और सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो थीटा नॉट है, सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और ये निकालेंगे कि जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, और किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका कितना टेम्परेचर होगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो ये कैलकुलेशन तो तुम लोग को आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसका, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट आता है ये के, और ये थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट माइनस टी थीटा बाय डी टी, सो दिस इज न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। और ये जो के कांस्टेंट है जो हम लोगों ने ऊपर निकाला वही है के का वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो थीटा वाले टर्म को इस तरफ लेकर के आते हैं, तो एट एनी टाइम टी, टाइम टी टेम्परेचर कितना हो चुका है, थीटा हो चुका है, तो इक्वेशन लिखा जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू के थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट, और मैं इसको इस तरफ लेकर के आ जाऊंगा डी थीटा डिवाइड बाई थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू के डी टी, और दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब टाइम ज़ीरो था तो थीटा इसका थीटा आई था, जब टाइम टी हो गया तो इसका थीटा फाइनल हो गया, मतलब कि एक कप है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ था और धीरे 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 वो कूल डाउन होते जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो ये है हमारा थीटा आई और ये है हमारा थीटा फाइनल, और किस टेम्परेचर पे, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो दिस इज थीटा नॉट। तो एक तरीका है तुमको जो मैंने बता दिया समझा दिया, अब
इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा लॉग में ln थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट, और माइनस साइन तो रहेगा ही, ये थीटा इनिशियल से लेकर के थीटा फाइनल, और ये के इंटू टी, और वैल्यूज को पुट कर लो इसमें। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, एल एन थीटा फाइनल माइनस ऑफ थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय थीटा इनिशियल माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर अगर मैं यहाँ पे लिमिट को पुट नहीं करता तो थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम आराम से आ जाता लॉग में। कैसे करते हम लोग, एल एन थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, और थीटा माइनस थीटा नॉट कितना हो जाता है, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी, और ये इधर से आ जाता है थीटा नॉट प्लस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, तो ये चीज़ था टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ, ये यहाँ पे माइनस है ना, माइनस साइन तो दिया नहीं मैंने, देखो इधर करके बताता हूँ। इसी को अगर हम लोग देखें आगे, इसी को अगर आगे करें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा, थीटा फाइनल माइनस ऑफ ये थीटा नॉट होगा, थीटा आई लिख दिया मैंने, थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा आई माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी। तो या तो इस फॉर्मूले को याद रखना है या तो ऊपर वाले फॉर्मूले को याद रखना, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको हम लोग यूज़ कर पाए। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा थीटा जो फाइनल निकल करके आएगा वो कुछ इस फॉर्म में निकल के आएगा, थीटा नॉट प्लस थीटा आई माइनस ऑफ थीटा नॉट ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ के टी। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो तो थीटा नॉट से ऑलवेज बड़ा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम छोड़ दो बहुत ज़्यादा देर तक तो जो कप है वो धीरे 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 ठंडा होने लगेगा और रूम टेम्परेचर पे तो आ ही जाएगा एक ना एक टाइम पे। तो ये एक ग्राफ है जो कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो ये हमारा कर्व, मान लो कि इस पे टेम्परेचर और इस पे टाइम दिया गया, तो दिस इज थीटा फाइनल, और मतलब इनिशियल था इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा हुआ था, और ये है रूम टेम्परेचर। तो अगर तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फाइनली इस टेम्परेचर पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, पहला तो लिमिटेशंस ये है कि ये फार्मूला जो है केवल स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा क्या चीज़ है, मतलब डेल्टा टी छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो अप्रॉक्सीमेशन लिया था उसमें याद होगा तो मैं डेल्टा टी को छोटा एज्यूम कर रहा था। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को रेडिएशन के थ्रू ही एज्यूम करना है, लॉस ऑफ एनर्जी शुड बी ओनली थ्रू रेडिएशन प्रोसेस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी और भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ये एक है, और इसमें एक और चीज़ है कि जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग शुड बी कॉन्स्टेंट। अगर वो चेंज होने लगा तो फिर हम लोग किस फैशन में चेंज होगा टेम्परेचर
वो सारी चीज़ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ही एग्जांपल करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और उस एग्जांपल को दो तरीके से करना पड़ता है, एक मतलब बिल्कुल प्रोसेस से और दूसरा एक एवरेज वाला मेथड लगा करके। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, कितने टाइम में गया? 10 मिनट में। तो तुम्हें पूछा गया कि अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ये 40 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा, ये तुम्हें निकालना है। बराबर, तो इसको हम लोग दो मेथड से निकालेंगे। पहला, ऊपर जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले से, क्या था फार्मूला? देखो, थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट, है ना? तो लिखो यहाँ पे थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के इन टू टी, है ना? ये फार्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ये हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट है। सबसे पहले मैं इसके लिए लगाऊंगा, ये इनिशियल एंड ये फाइनल स्टेट, तो इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा, और फिर ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेट, इसके लिए हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। और फिर क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है, ये जो टर्म है इसको इस तरफ कर लो मल्टीप्लाई करके। तो बताओ कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा फाइनल कितना? 45 डिग्री होने वाला है, माइनस रूम टेम्परेचर, में माइनस रूम टेम्परेचर को मैं 30 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। 45 माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 50 माइनस ऑफ 30 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के इंटू टी वन, इसका टाइम मैंने टी वन माना, इसका टाइम टी टू मान लेता हूँ। दूसरा, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा बोलो? 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय, 40 माइनस 30 अपॉन 45। हाँ 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के इंटू टी टू, दिस इज सेकेंड। अब -KT बस अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। अब इसे दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9/8 आया ना, ये आ जाएगा 9/8, आ रहा है क्या? देख लो, इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर, वो दोनों को हमने डिवाइड किया तो ये ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी वन प्लस के टी टू हो जाएगा, क्योंकि वो तो नीचे डिवीजन में ना ऊपर गया तो प्लस बन गया। अब दोनों साइड लॉग ले लो, तो ln 9/8 इज इक्वल्स टू माइनस के टी वन प्लस, और सॉरी माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, मतलब सिंपल है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, माइनस के आर टी वन एन टी टू, ये चीज़। टी वन तुम्हें पता है, टी वन कितना गिवन है? 10 मिनट। मिनट को तुम पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, अगर मिनट में पुट करोगे तो टी टू भी तुम्हें मिनट में ही मिलेगा। अब के का वैल्यू कैसे निकलेगा, के का वैल्यू के लिए ऊपर फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, उसी से हम लोग निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला था ये वाला, इससे के निकलेगा, कितना आएगा? ये ऊपर है तुम्हारा 45 माइनस ऑफ 30, कितना आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 20 20 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के इंटू टी वन, ये हो जाएगा। लॉग ले लो, ln 3/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी वन, सो टी वन इज बेसिकली
नहीं टी वन नहीं, के चाहिए मुझे यहाँ से। सो के इज बेसिकली इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर कर लो लॉग में, तो वो 4/3 हो जाएगा। एल एन 4/3 डिवाइडेड बाय टी वन, है ना। अब इस के वन का वैल्यू पुट कर लो, आंसर्स वगैरह आ जाएंगे। दूसरा तरीका जो होता है वो एवरेज वाला होता है, और एवरेज वाले तरीके से हम लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन करना पड़ता है। तो एवरेज वाला क्या मेथड है? एवरेज मेथड, हमें फॉर्मूला पता है कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, इज इक्वल्स टू माइनस होता है, माइनस को हटा देंगे हम लोग मैग्नीट्यूड क्योंकि लेते हैं हमेशा, के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट होता है। इसमें एवरेज लगा दो, माइनस डी थीटा बाय डी टी इज के टाइम्स ऑफ थीटा एवरेज एंड थीटा नॉट एवरेज, ये ऐसे एवरेज लेते हैं। तो ये एवरेज का क्या मतलब हुआ? दिस एवरेज इज बेसिकली थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय टू, बराबर ये वाला चीज़ हो जाएगा, थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय टू। और ये जो होगा दिस इज डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। और ये थीटा नॉट का एवरेज क्या होगा? ये तो कुछ एवरेज है ही नहीं, ये तो सिंपल थीटा नॉट ही होगा। क्लियर है क्या? अब वैल्यूज़ को देखो, हम लोग निकाल करके पुट करते हैं। सर कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस से गया 45 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा का एवरेज माइनस ऑफ थीटा नॉट का एवरेज। तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये कितना है डेल्टा थीटा? 5 डिग्री सेल्सियस। और फाइव टाइम कितना लगा है? 10 मिनट। इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ, इसका एवरेज कितना निकल के आएगा? थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल 50 प्लस 45 डिवाइड बाय टू। अरे हाँ, या ना है फोर्टी हाँ सर यस ना, तो कितना आया ये? सर 95/2 95/2 डिवाइड बाय टू माइनस ऑफ थीटा, दैट इज 30। ये चीज, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा, जब 45 से, जब 40 आता है हाँ 45 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आता है, उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट वाला है। इसके लिए कितना आएगा ये? डेल्टा थीटा फिर से 5 होगा, नीचे फाइव टाइम टेन मुझे निकालना है, और थीटा माइनस साइन दोनों में होगा, उसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, एक्चुअली मैग्नीट्यूड लेना था मुझे के, और इसका कितना हो जाएगा? 45 प्लस थीटा एवरेज होगा प्लस 40 थर्टी सॉरी 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय टू, कितना आ जाएगा ये? 85 प्लस 40 85 माइनस ऑफ 30। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 मिनट, ध्यान रखना मिनट में है ये, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू के एटीन कैंसिल आउट हो जाएगा, 95/2 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 85/2 माइनस ऑफ 30। अब इसी को सॉल्व करना है मुझे t के लिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे t, तो यहाँ से हमारा 14 मिनट निकल करके आ जाएगा आंसर। और इस टाइम को अगर मैं इस टाइम के साथ कंपेयर करूँ, यहाँ पे जो तो हमने टाइम निकाला, इधर से भी निकलेगा ना, लॉग वॉग का वैल्यू कुछ देखना पड़ेगा,
तो लगभग लगभग सेम ही आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ये करने के लिए बोला जाता है, बोर्ड में तो यही करने के लिए बोला जाएगा तुम्हें, एवरेज मेथड से। ठीक है क्या? यस सर, ओके, तो हाँ सर, ये हम लोग का हीट ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, और हीट ट्रांसफ़र के बाद फिर हम लोग अब कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटेंस में देखते हैं फिर हम लोग, है ना। तो होमवर्क के लिए क्या रहेगा तुम लोग का होमवर्क? एक डीपीपी कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट कल सुबह लगता है। कल ही है क्या? यस सर, हाँ सर, कल सुबह।